नमस्कार, मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज अचानक ये खबर जो आई, खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े, इन्होंने जाहिर किया कि आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी करीब 240 सीटें भाजपा लड़ेगी और शिंदे गुट को 48 सीटें दी जाएगी। और एक प्रकार से उस चर्चा को हवा देने की कोशिश की गई कि हो सकता है कि निकट भविष्य में चुनाव हो सकते हैं, वरना 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आज कुछ सीटों का बंटवारा हो रहा है। जो लोग राजनीति में है उनके लिए भी ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी क्या बात है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी अब इस नतीजे में पहुंची है कि आगामी चुनाव मिलकर लड़ना है और 48 सीट शिंदे गुट को देने की बात वो कर रहे हैं। और ये भी टाइमिंग जिसको कहते हैं कि ठीक सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष को लेकर जो सुनवाई समाप्त हुई थी कि अचानक ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को महसूस करने लगी है कि सर्वोच्च न्यायालय का निकाल चाहे जो भी आए, लेकिन ये हो सकता है कि 16 विधायक जिसमें स्वयं एकनाथ शिंदे भी शामिल है, कहीं ना कहीं ये 16 विधायक अपात्र हो सकते हैं। इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सोच बनते हुए नजर आ रही है और इसमें उनको एक खतरा भी नजर आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बचे हुए जो 15 विधायक है 34 में से, कहीं ऐसा ना हो कि 34 वापिस उद्धव ठाकरे के पास चले ना जाए। इसलिए बावनकुड़े की ये घोषणा आने वाले चुनाव में भाजपा और शिंदे गुट के बीच कितने सीटों का तालमेल हो सकता है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि आज उसका कोई औचित्य भी नहीं है। ये खबर लाने के पीछे का मकसद चुनावी गठजोड़ कम है
वो चिंता ज्यादा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 16 शिंदे गट के आमदारों को, विधायकों को अपात्र कर दिया तो भगदड़ ना मच जाए और बचे 14 जो है 18 वो वापिस ना चले जाए, उसको कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत उस भगदड़ को रोकने के दृष्टिकोण से ये फॉर्मूला को बाहर लाया गया है। क्योंकि ये बताने की कोशिश है कि जितने आज शिवसेना के विधायक शिंदे गुट के साथ है उन सबको तो हम टिकट देंगे ही, लेकिन कम से कम और 10-12 अधिक लोगों को हम देना चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के समर्थकों और उनके साथ जुड़े हुए कुछ नेताओं को ये आश्वासित करना चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय का निकाल चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल लग जाए तब भी हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, और एक उम्मीद जो है वो बनाए रखना चाहती है कि शिंदे गुट बिखर ना जाए। क्योंकि अगर असामयिक परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर 48 सीटों की बात कर रही है, ऐसे वक्त जब शिंदे गुट पिछले महीनों में जब से शिवसेना के अंदर ये संघर्ष शुरू हुआ, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी एक रैली तक नहीं कर पाए, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन तक दिखा नहीं पाए, और जो भी चुनाव हुए पिछले 2 महीनों में, 2-3 महीनों में, एक भी उपचुनाव शिंदे गुट लड़ा नहीं। ये बात अलग है कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग की दिशा भूल की, खास करके बंबई की एक उपचुनाव में, कि हम लड़ने जा रहे हैं इसलिए धनुष बाण का चुनाव चिन्ह जो है वो हमारे लिए आरक्षित करें, लेकिन वहां वो चुनाव लड़े नहीं, बिन विरोध वो चुनाव हुआ। और उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार जीत के आए, बीजेपी ने बहुत चालाकी का काम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, नोटा का प्रचार किया, लेकिन लोगों ने दरकिनार कर दिया बीजेपी की उस रणनीति को। लेकिन जहां तक शिंदे गुट का सवाल है, उसके बाद और भी जो चुनाव हुए उसमें शिंदे गुट जो ये दमखम के साथ कहता है कि हम ही असली शिवसेना है और पार्टी के अंदर फूट नहीं पड़ी है, हमने पर सिर्फ नेता नेतृत्व परिवर्तन किए हैं, बहुमत हमारे साथ है, ऐसा कहने वाला गट एक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में एक जिले में रैली शिंदे गट कर नहीं सका। ऐसे स्थिति में बीजेपी को भी मालूम है कि ये गट के अधिकतर आमदार अपात्र हो या ना हो, चुनाव में इनकी दखल मतदाता लेने नहीं जा रहा है, बदनाम हो चुके हैं, मुश्किल से 2-4 इनके विधायक कुछ लड़ सकेंगे। ऐसे सूरत में जिनकी ताकत ना हो उनके लिए बीजेपी आज 48 सीट की घोषणा कर रही है, इसके पीछे गठजोड़ नहीं है, इसके पीछे शिंदे गुट को एक आभास दिलाना है, शिंदे गुट में बिखराव ना हो
इसका वो इंतजाम है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई जैसी खत्म हुई उसके बाद बावन कुड़े ने ये सीटों के तालमेल की बात की है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जो लोग जानते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों के कंधों पर रखकर अपना प्रभाव देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ाई है और उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को उसने निगलने का काम किया है, यही भी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। तो ऐसी पार्टी तो चाह रही थी कि शिवसेना से पीछा छूट जाए, जिससे कि महाराष्ट्र के अंदर भविष्य में 3/4 सीटों पर अकेले बीजेपी लड़ सके, जिससे कि सबसे बड़ी पार्टी वो बन सके। ये जो पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई वर्षों से रही, और देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे शिवसेना के साथ के गठजोड़ में शिवसेना की सीटें वो कम करते करते 50% तक चले गई, और अब शिवसेना को तोड़कर वो 75% 80% सीट वो खुद लड़ने की बात कर रही है। और आज जो अखबारों में आया है 48 सीटें शिंदे गट को मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 सीटें के ऊपर भविष्य में देने नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि करीब करीब 250 सीटें, 250 ने 260 सीटें, 60-65 सीटें आने वाले दिनों में अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। और वो ये जताना चाह रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, और समय आने पर बिना बैसाखी के अकेले सरकार महाराष्ट्र में बना लेने का जो उनका सपना है, उस ओर वो जा रही है। और ये जो बावन कुड़े ने कहा है, ये गठबंधन में सीटों का बंटवारा कम, शिंदे घट को झांसा देना ज्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को नए मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।